बारिश का मौसम आते ही नदी नाले उफान पर आ जाते हैं। कई जगह मन को सुकून देने वाली होती है तो कई जगह ऐसी होती है जो हमेशा के लिए इंसान को दर्द दे जाती है। नेपालपुर के गौतमपुरा में चंबल नदी पर बना रलायता का पुल उन्हीं में से एक है, जहां 11 साल पहले सांस जिंदगी पानी के तेज बहाव में बह गई थी। लेकिन विडंबना देखिए, 11 साल बीत जाने के बाद भी क्षेत्र से राजनीति करने वाले नेता इस पुलिया को ऊंची नहीं करवा सके। 17 जुलाई 2009 यानी कि 11 साल पहले गौतमपुरा के रलायता गांव के 7 युवक अंधेरी रात में चंबल नदी की पुलिया पार करते वक्त पानी के तेज बहाव में बह गए थे। हादसे के बाद क्षेत्र में हाहाकार मच गया। अगले दिन जब रेस्क्यू किया गया तो चंबल नदी ने 7 युवकों की लाश को उगला। हादसे के बाद क्षेत्र के जनप्रतिनिधि पीड़ित परिवारों का दुख बांटने उनके घर पहुंचे और उनके दर्द पर पुलिया ऊंची कराने का बोल महरम लगा गए। लेकिन 11 साल बाद भी ना तो पुलिया ऊंची हुई, ना हादसे रुके और ना ही किसी जिम्मेदार ने इस ओर ध्यान दिया। इन 11 सालों में भाजपा और कांग्रेस दोनों के विधायक अपने क्षेत्र में जनता की भलाई का दावा करते रहे, लेकिन 7 जिंदगियों को लील जाने वाली पुलिया को ऊंचाई पर नहीं ला सके। ऐसा नहीं है कि ग्रामीणों ने इसे लेकर जनप्रतिनिधियों से बात नहीं की, बात की लेकिन उन्हें हर बार आश्वासन ही मिला। 17 जुलाई 2009 की वह काली रात जब यहाँ पर 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और आप जब सुबह रात यहाँ पर आया था गौतमपुरा से, उस समय आपकी जो कंडीशन देखती हो क्या आपने देखा और क्या आप लोगों ने मांग रखी थी उस समय? 17 जुलाई 2009 की रात को जैसे हम लोगों को मालूम पड़ा था, नगर से काफ़ी लोग यहाँ पे पुलिया पे आए थे, नदी पे आए थे। बाकी नदी की स्थिति थी कि ये भरपूर बाढ़ में जा रही थी, इससे लोग कोई सोचने पड़ा था, टाली या पलटी हुई खड़ी थी। लोगों ने देखा इधर उधर, बाकी कोई ऐसा उजाला नहीं था, अंधेरी रात थी तो कुछ समझ नहीं पड़ा। रात भर सब यहाँ यहीं बैठे रहे, भयानक रात थी और सभी ने आशा छोड़ दी थी कि अब तक कोई परिजन बचे होंगे। तो यहाँ पे जब इस और 18 को लोग जनप्रतिनिधि वगैरह या प्रशासन वगैरह सभी लोग आए थे और सबने ढूंढ ढूंढ के लाशें परेशान हो गए थे। फिर रेस्क्यू के द्वारा इनकी बोट वगैरह आई थी, रेस्क्यू वाले आए थे, उसके बाद ये तीसरे दिन सुबह सुबह लाशें सबकी यहाँ से मिली थी। उसके बाद इनका दाह संस्कार हुआ था, नगर भी पूरा तरह से बंद रहा था 2 दिन के लिए। और उस समय तत्कालीन अपने सांसद महोदय ताई जी, तत्कालीन विधायक महोदय, पूर्व विधायक महोदय मनोज जी पटेल साहब, सभी लोग आदरणीय विजय वर्गीय जी, सभी लोग आए थे नगर में। सब जिस दिन की अभी घटना घटी थी उनके मिलने भी गए थे और सभी दूर इन्होंने आश्वासन दिया था कि इस पुलिया का हम शीघ्र ही निर्माण करेंगे। और इसके बाद भी यहाँ से आवेदन हमने अलग अलग दिए, ताई जी को भी आवेदन दे चुके हैं। अभी तत्कालीन सांसद महोदय आदरणीय ललवानी जी को भी मैं खुद व्यक्तिगत रूप से आवेदन दे के आया हूँ। उन्होंने बताया कि सावे और गौतमपुरा दोनों पुलियाओं के मैंने प्रस्ताव बना के भेजे हैं, शीघ्र ही इनकी मंजूरी होने के बाद अपन काम चालू करवाएंगे, ऐसा ललवानी जी बोला गया है। लेकिन आप भी अगर वैसा देखा जाए तो आप भी भारत जनता के वरिष्ठ नेता, 11 साल हो गए, कई आपके भी मंत्री आए गए, नेता आए गए, लेकिन 11 साल में वो एक छोटी सी सौगात क्यों नहीं दे पाए? समय समय पे हमने हमेशा मांग उठाई है। अभी बीच में भी यहाँ पे इसके ठिया देखने के लिए उन्होंने कुछ भेजे थे कि हम ठिया दिखवा रहे हैं, यहाँ पे भी इसके पायल से खड्डे करवाए थे, तो हमको आशा लगी थी कि चलो इसका काम चालू होगा। बाकी अभी तक पेंडिंग है, मैं लगातार प्रयास में हूँ कि इस बारिश के पहले कम से कम इसको निर्माण चालू हो जाए। पुलिया की ऊंचाई कम होने के कारण बारिश में रास्ता बंद हो जाता है। 2 किलोमीटर के चक्कर में ग्रामीणों को 30 किलोमीटर से ज्यादा का चक्कर लगाना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि बार बार गुहार लगाने के बाद भी आज तारीख तक पुलिया की ऊंचाई नहीं हो पाई है। 2009 की जो घटना है आज तक हमारे जहन में है। उस समय रात में 2 से 3 बजे शायद और वो ट्रैक्टर एक निकला था नगर पंचायत के, उसमें 7 लोग सवार थे। वो ट्रैक्टर असंतुलित होकर पानी होने का गिर गया, जिसमें 7 लोग मौत हो गए थे, 7 परिवार ने अपने जनों को खोया था। उसके बाद में जनता में खूब आक्रोश हुआ। उस समय तत्कालीन मंत्री और वर्तमान में भाजपा के महासचिव आदरणीय कैलाश चंद्र जी, 9 बार के इंदौर के हमारे सांसद माननीय ताई जी, इंदौर कलेक्टर महोदय और वर्तमान उस समय के तत्कालीन विधायक, सभी लोग मौके पर आए थे। और जनता के आक्रोश के कारण सभी लोगों ने ये हम सबको बताया था कि शीघ्र ही इस पुलिया को हम इसकी ऊंचाई बढ़ाई जाएगी 20 फीट के आसपास कर देंगे, लेकिन वो इंतजार हम लोग आज तक कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि उस समय के जो तत्कालीन विधायक माननीय सत्यनारायण पटेल जी, ग्राम पंचायत रलायता से एक प्रतिनिधिमंडल हम लोग मिले थे, उनसे हम लोगों ने मांग की थी पुलिया के बारे में। उन्होंने उस समय विधानसभा क्वेश्चन भी उठाया
और जो मैदानी लड़ाई लड़नी वो भी लड़ी, लेकिन उस समय विधायक की भी नहीं चली क्योंकि सरकार नहीं थी। और सरकार ने शायद भेदभावपूर्ण, उस समय की सरकार ने, शिवराज जी की सरकार ने भेदभावपूर्ण तरीके से रवैया अपनाया और ये हमारी पुलिया आज तक उसका हम इंतजार कर। घटना के वक्त दुख जाहिर करने पहुंचे नेताओं को अब अपने वादे याद नहीं है, उन्हें लोगों के उस दर्द से भी कोई सरोकार नहीं है जो 11 साल पहले क्षेत्र के 7 परिवारों पर वृक्ष की तरह टूटा था। लेकिन लोगों को अब भी अपने नेताओं से आस है कि वे जल्द ही लोगों की गुहार सुनेंगे और परेशानी भरी इस पुलिया का निर्माण करवाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बार न्यूज, देपालपुर।